स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। हर एक लिविंग थिंग को वाटर की ज़रूरत होती है सर्वाइव मीन्स जीवित रहने के लिए। इससे पहले हम इस पार्ट की मेन बेसिक थीम पढ़ लेते हैं दैट हैज़ बीन गिवन इन द 3 पॉइंट्स। फर्स्ट है, डेजर्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स लर्न टू रिक्वायर मच लेस वाटर। डेजर्ट प्लांट्स या रेगिस्तान के जो पौधे होते हैं और एनिमल होते हैं वो सीख जाते हैं, लर्न, उनको सीखना होता है लर्न टू रिक्वायर मच लेस वाटर, कि किस तरीके से, रिक्वायर का मतलब उनके लिए ज़रूरी होता है, लर्न टू रिक्वायर मच लेस वाटर, कि कम वाटर में सीखना, देन मोस्ट लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल। उनको उस चीज़ की कम ज़रूरत होती है, रिक्वायर मीन्स नीड। डेजर्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स लर्न टू रिक्वायर मच लेस वाटर, उन्हें बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। और द कैमल इज ए टिपिकल डेजर्ट एनिमल। कैमल तो स्पेशली डेजर्ट एनिमल ही कहा जाता है, रेगिस्तान का ही जानवर कहा जाता है उसे पूरी तरह से। स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स हैव अनयूजल, जो छोटे डेजर्ट के जो एनिमल्स होते हैं हैव अनयूजल मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड फॉर वाटर। उनके पास में अनयूजल का मतलब असाधारण, मीन्स मीन तरीके होते हैं ऑफ सेटिस्फाइंग, सेटिस्फाइंग का मतलब कि अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, देयर नीड फॉर वाटर, जो वाटर की जो उनकी ज़रूरत होती है उसको संतुष्ट करने के लिए उनके पास में असाधारण तरीके होते हैं। बड़ा तो है आपका डेजर्ट एनिमल कौन है, आपका कैमल है, लेकिन छोटे छोटे डेजर्ट एनिमल भी होते हैं, उनके भी असाधारण तरीके होते हैं अपनी पानी की ज़रूरत को पूरी करने के लिए। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। हर एक जीवित चीज़ को जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। सर्वाइव का मतलब जीवित रहना या जिंदा रहना। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव, थोड़े से प्लांट्स पौधे, यानी कि थोड़े से पौधे, कुछ पौधे और कुछ जानवर दैट लिव इन डेजर्ट, जो कि रेगिस्तान में रहते हैं, हैव डेवलप्ड द एबिलिटी, उन्होंने ये एबिलिटी अपने अंदर विकसित कर ली है। डेवलप्ड का मतलब विकसित कर लेना, डेवलप द एबिलिटी, ये योग्यता टू रिक्वायर लेस वाटर, कि उन्हें कम पानी की ज़रूरत पड़े देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल, इसकी अपेक्षा कि जो दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो अच्छे इलाकों में रहते हैं जहाँ पानी भी होता है, उनकी अपेक्षा जो डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स और पौधे होते हैं वो अपने अंदर एक ऐसी क्षमता विकसित कर लेते हैं जिससे कि वो कम पानी में भी रह सकें। द कैमल इसी तरीके से है, आपका ऊँट कहते हैं। द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, ऊँट को शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, लोग उसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। कैन ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, वो एक ही समय में बहुत सारा पानी पी सकता है। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, कैमल बहुत दिनों तक पानी के बिना जिंदा रह सकता है। द रीज़न इज, इसका कारण यह है, दे स्वेट वेरी लिटिल, कि वो पसीना बहुत कम छोड़ते हैं, यानी उनमें पसीना बहुत कम आता है, पसीने के जरिए जो अपनी बॉडी का पानी है उसे बहुत कम रिलीज़ करते हैं, बहुत कम बाहर निकालते हैं। वी स्वेट, हमें भी पसीना आता है। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, हम इसलिए पसीना हमारा निकलता है क्योंकि हम अपनी बॉडी को का टेम्परेचर जब कॉन्स्टेंट इक्वल रखना चाहते हैं जिससे कि कोई फ़र्क ना पड़े। जब गर्मी होती है तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर हमें ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, पसीना हमारा बाहर निकलता है ताकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाए। वी स्वेट, हम तब पसीना हमारा निकलता है व्हेन इट गेट्स हॉट, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए हमारी बॉडी, एंड दिस कूल्स द बॉडी, और जब हम स्वेटिंग करते हैं तो उससे हमारी बॉडी बिल्कुल ठंडी हो जाती है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, कैमल्स तो बहुत तेज़ गर्म, उनका जब उनका बहुत ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर होता है तब भी वो
जीवित रह सकते हैं, उसमें भी रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर में भी रह सकते हैं। दे डोंट नीड टू स्वेट, उन्हें पसीना निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड कैन देयर फॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, जब ज़्यादा पसीना नहीं आता तो उनकी बॉडी का वाटर वही उनकी बॉडी में सेफ रहता है और काफ़ी दिनों तक, लंबे समय तक रहता है। क्योंकि जब हमारे पसीना आता है तो हमारा बॉडी का जो वाटर है वो बाहर निकल जाता है। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर, छोटे जो रेगिस्तान के जो छोटे एनिमल्स हैं वो पानी नहीं पीते हैं। दे बरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे, बरो का मतलब नीचे चले जाते हैं, दब जाते हैं। दे बरो अंडरग्राउंड, वो ज़मीन के नीचे चले जाते हैं, बरो का मतलब दब जाते हैं। ड्यूरिंग द हॉट डे, हॉट डे में यानी जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वो ज़मीन के अंदर वाली जगह पर दब कर या दुबक कर बैठ जाते हैं। एंड कम आउट एट नाइट, और रात में बाहर आते हैं टू ईट, और रात में बाहर आते हैं कुछ खाने के लिए, वो अपने फूड के लिए रात को बाहर आते हैं। और जब बहुत गर्मी का मौसम होता है, जब चारों तरफ रेत होती है और सूरज की गर्मी होती है, तो वो अपनी उसमें दबकर बैठ जाते हैं अंडरग्राउंड जगह पर ज़मीन के नीचे। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स, कुछ तो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। एंड गेट द वाटर, और उनको खाकर उन्हें पानी मिलता है। दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट, इस तरीके से उन्हें उस मीट की यानी कि उनके मांस में जो मॉइस्चर होती है उसकी आवश्यकता होती है। अदर्स ईट प्लांट्स, कुछ ऐसे होते हैं जो पौधे खाते हैं। एंड सीड्स, और बीजों को खाते हैं। एंड गेट द वाटर, और उन्हें पानी मिलता है उनसे। दे नीड फ्रॉम द प्लांट जूसेस, और पौधों के जो जूस होते हैं, जो रस होते हैं पौधों के, उनके प्लांट के जूसेस से वो अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं पानी की। डेजर्ट प्लांट्स आल्सो अडेप्ट देमसेल्फ टू द लाइफ दे लीड, डेजर्ट के जो पौधे हैं, रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं, वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं। अडेप्ट का मतलब अपने आप को वहाँ के मौसम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। अडेप्ट में एडजस्ट करना। जिस तरीके का वहाँ का जीवन होता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को डेजर्ट प्लांट्स एडजस्ट करते हैं ताकि उस मौसम में वो रह सकें, उस क्लाइमेट में रह सकें, परिस्थितियों में रह सकें। कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स, कैक्टस के जो प्लांट होते हैं वो उनके तने बहुत मोटे होते हैं और उनके अंदर पानी होता है। सभी डेजर्ट प्लांट्स अपने और जानवर अपने अपने तरीके से अपने अंदर डेवलप करते हैं जिससे कि वो डेजर्ट के अंदर रह सकें। जिस तरीके से एनिमल हैं, छोटे एनिमल्स हैं, वो आओ ज़मीन में खोद कर, मिट्टी को खोद कर उसके अंदर चले जाते हैं, नीचे रह जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, तो रात को बाहर खाने के लिए निकलते हैं। डेजर्ट प्लांट्स भी अपनी लाइफ को अलग तरीके से एडजस्ट करते हैं क्योंकि कैक्टस के जो मोटे स्टेम होते हैं उसके अंदर पानी रहता है। देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, और उनकी जो जड़ें होती हैं वो ग्राउंड के सरफेस के पास में बिल्कुल, सरफेस का मतलब तली के पास में बिल्कुल जुड़ी हुई होती हैं, बहुत पास में होती हैं ग्राउंड के। एंड क्विकली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स दैट ओकेजनली फॉल, जो कभी कभी थोड़ी सी बारिश होती है उसका, ताकि वो पानी इमीडिएटली सोख सकें। इसके लिए अब्जॉर्ब में सोखना, जितना भी मॉइस्चर या थोड़ा सा पानी जो होता है रेन के रूप में जो डेजर्ट इलाकों में होता है उसे, ताकि बहुत जल्दी से वो एब्जॉर्ब कर लें, सोख लें और उसे ले लें। इसके लिए वो उसकी जो ऐसे पौधों की जड़ें होती हैं वो ग्राउंड के पास में होती है, ग्राउंड की सतह के पास में होती हैं और फटाफट उसे ले लेती हैं। द मेजर फीचर ऑफ आर डेजर्ट इज, सबसे खास बड़ा जो फीचर है, स्पेशलिटी है इन डेजर्ट्स की, रेगिस्तान की, इज ऑफ कोर्स ड्राइनेस, जो है वो है ड्राइनेस कि यहाँ पर सूखा बहुत रहता है। एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, इसके अलावा टेम्परेचर भी में भी चेंजेस आते हैं, वेरिएशंस का मतलब चेंजेस। इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स, जो खुश्क मौसम है, द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक ए ब्लैंकेट, खुश्क मौसम में वहाँ पर जो मॉइस्चर होती है, थोड़ी सा जो गीलापन होता है
हवा के अंदर, वो एक ब्लैंकेट की तरीके से, कंबल की तरीके से काम करता है एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस, और वो अर्थ की सतह को बचाता है इससे, फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन, सूर्य की जो गर्म किरणें होती हैं, बहुत तेज गर्म किरणें होती हैं, उनसे वो मॉइस्चर वाला ब्लैंकेट उनको बचाता है, वो मॉइस्चर जो कि एयर में होती है। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड्स कॉजेज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे। ये जो ब्लैंकेट है वो डेजर्ट लैंड्स में ज़्यादातर एब्सेंट ही होता है, वहाँ पर ये होता ही नहीं है। डेजर्ट लैंड कॉजेज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे, इसकी वजह से ये ब्लैंकेट जो मॉइस्चर वाला ब्लैंकेट है, जो है जहाँ पर हवा के अंदर ही थोड़ा से नमी होती है, वो डेजर्ट लैंड में नहीं होती है, उसकी वजह से, इस ब्लैंकेट की वजह से वहाँ पर क्या होते हैं, डेजर्ट जो है हीट अप रैपिडली, बहुत जल्दी जब सूर्य की गर्मी पड़ती है तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, एंड कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट, और रात के समय पर बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो डेजर्ट इलाकों के अंदर रात के टाइम ठंडक होती है, जैसे ही रेत ठंडी हो जाती है तो सारा मौसम ठंडा हो जाता है, और जब दिन होती है तो रेत बहुत तपती है तो बहुत गर्मी हो जाती है। डेजर्ट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान, रेगिस्तान भी बहुत अहम हिस्सा होते हैं नेचर के, जो बड़ा प्लान है उसका बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट, वो भी एक घने जंगल के तरीके से होते हैं, एंड द डीप ओशंस, जैसे कि बहुत गहरे गहरे हमारे समुद्र हैं, उसी तरीके से ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हैं जो नेचर का के प्लान का हिस्सा हैं। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, क्योंकि केवल वो गर्म और सूखे हैं, वन शुड नॉट लुक अपॉन दम एज यूजलेस पार्ट्स ऑफ द अर्थ, क्योंकि वो सूखे हैं और बहुत गर्म है, इसलिए किसी को भी, वन का मतलब यहाँ पर किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि डेजर्ट्स जो हैं अर्थ का यूजलेस पार्ट है, इसको कुछ इस्तेमाल नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सोचें। नाउ द क्वेश्चंस आंसर आल देयर, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे फॉर वॉचिंग।